जैसे कि अभी कमल जी ने मैम मुझे माँ शारदा की वंदना के लिए कहा, तो उसमें से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि एक मुसलमान होकर ये माँ शारदा की वंदना कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं मुसलमान ज़रूर हूँ, लेकिन उससे पहले एक हिंदुस्तानी हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद। और ये हिंदुस्तानी बेटी माँ के चरणों पुष्प समर्पित करती हूँ, हाजिर करती हूँ, आप सबकी दुआएं चाहूँगी, वंदना हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। शब्दों का गुलदस्ता लेकर कविता कलश उठाएंगे, मेरे कंठ विराजो माता, गीत में तेरे गाऊंगे। शब्दों का गुलदस्ता लेकर अत्याचार सहन न करेगी कलम मेरी कल्याणी, पापियों को पछाड़ देगी कवि की कोमल वाणी, अत्याचार सहन न करेगी कलम मेरी कल्याणी, पापियों को पछाड़ देगी कवि की कोमल वाणी, तेरे ही गीतों से ऐ माँ द्वार तेरा सजाऊंगे, मेरे कंठ विराजो माता गीत में तेरे गाऊंगी। शब्दों का गुलदस्ता लेकर और तेरे मुकुट से दमके माता भारत माँ का भाल, कोहे नूर हीरा ले आवे दे दे ऐसा लाल, तेरे मुकुट से दमके माता भारत माँ का भाल, कोहे नूर हीरा ले आवे दे दे ऐसा लाल, तेरे वीणा के तारों से भ्रष्टाचार मिटाऊंगी, थोड़ा सा सुर दे दे ऐ माँ गीत में तेरे गाऊंगी। शब्दों का गुलदस्ता लेकर, और देखिए मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, अगर आप सबको लगे कि मैंने कुछ अच्छा कह दिया है तो मैंने वंदना में आपने अपनी मर्जी से तालियां मुझ तक पहुंचाई, लेकिन अब मैं कह रही हूँ अगर आपको लगे कुछ अच्छा बोल रही हूँ, अच्छा कह रही हूँ, तो एक हाथ भी खामोश नहीं रहना चाहिए। मेरी इस पंक्ति के बाद यहाँ से लेके वहाँ तक की भरपूर तालियाँ आप सबकी यहाँ तक पहुँचना चाहिए। हम सब कभी ये समझेंगे कि आपकी तालियाँ दुआओं में तब्दील होकर हम सब तक पहुँच रही है। पंक्ति मैं आप तक पहुँचाती हूँ, हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि हम सब कवियों की कलम को ऐ माँ तू दे ऐसी शक्ति, अपने स्वार्थ को भूल के हम सब करें राष्ट्र की भक्ति। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और दोबारा हाजिर करती हूँ। कि हम सब कवियों की कलम को ऐ माँ तू दे ऐसी शक्ति, अपने स्वार्थ को भूल के हम सब करें राष्ट्र की भक्ति, आँख उठाए दुश्मन तो मैं उसको मार भगाऊंगी, थोड़ा सा सुर दे दे ऐ माँ